प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो भाई चलो, पहुंच गए। गोगी दिख रहा, नो मस्ती। हाँ, एंजॉय करना है गोली बेटा। सुनो जरा, गट्टा पकड़ूं बसा, सोड़ी चलाने वाला है गाड़ी। कप्पू बेटा, जादू ठीक तरह से सीख रहे हो? हाँ मम्मी। कपड़ा अपना ख्याल रखना। जी नानी। और सोड़ी भाई, जीप जरा स्लो चलाना है, ओपन जीप है तेरी। ए बच्चा लोग किधर उठ नहीं जाए, फास्ट चलाएगा तो। हाँ सोड़ी भाई। हाँ जेठा भरा, तुझे फिकर ना करो, वाहगुरु जी है ना हमारे अंग संग, बिल्कुल सही सलामत पहुंचेंगे। चलो बाय बाय। गोगी दिख रहा, संभाली ले। बैठ जा टप्पू। अरे खड़े खड़े क्या जा रहे हैं? तो टप्पू सेना, आज आप मेरे पास जादू सीखने आए हैं, राइट? राइट। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, जादू क्या है? जादू एक चमत्कार है, हम जादू के जरिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। नहीं नहीं, जादू कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ हाथों की स्पीड का और लोगों की नजरों से अपनी स्मार्टनेस छुपाने का एक खेल है, और जो इस खेल में एक्सपर्ट हो गया वही जादूगर है। तो फिर अंकल, कल जो आपने जादू किया वो क्या था? वो भी जादू नहीं था, मेरे हाथों की स्पीड थी। जैसे मोतीचूर का लड्डू, सोड़ी भाई उसे तोड़ नहीं पाए, लेकिन सोनू ने उसे तोड़ दिया, क्योंकि दोनों लड्डू अलग अलग थे। देखो कैसे किया था मैंने। ये एक नकली लड्डू है और ये एक असली लड्डू है। मैंने असली लड्डू मेरे हाथ में पहले से ही छुपा के रखा था, और नकली लड्डू मैंने सोड़ी भाई को तोड़ने दिया। जब मैं उनसे वो लड्डू ले रहा था और सोनू को दे रहा था, मैंने सोनू को असली लड्डू दिया तोड़ने के लिए, लेकिन नकली लड्डू मेरे पास ही है। वाओ अंकल, आपने कैसे क्या कुछ पता नहीं चला? इसी हाथों की स्पीड को तो जादू कहते हैं। तो चलो लेसन शुरू करें। ओके। माधवी, तुम्हें नहीं लगता कि आज का माहौल कुछ अलग सा है? मतलब ये कि टप्पू सेना नहीं है ना सोसाइटी में, तो कितनी शांति ही शांति है। अच्छा असर, मुझे लगा कि आप कहे? नहीं नहीं कहीं नहीं। अरे माधवी, मैं ये कह रहा हूँ कि टप्पू सेना होती तो कितना हल्ला मचाती है सोसाइटी में। हाँ खरच है। अभी अच्छा है कि जादू सीखने में बिजी रहेंगी। अंकिल, आज आप कौन सा जादू सिखाओगे? आज मैं आप लोगों को बहुत सारी नई जादू सिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ कॉइन्स है, आप लोग देख सकते हैं। हाँ। अब इस कॉइन को मैं इसके अंदर बॉक्स के अंदर रख देता हूँ। इसको मैंने क्लोज किया और आब्रकडाब्रा गिली गिली छू, और ये इसको फिर से मैं यू बंद कर देता हूं, फिर से आब्रकडाब्रा गिली गिली छू, और ये कॉइन सभी 1, 2 and 3। अभी सीखना है इसको कैसे किया था। अब जब मैं इस कॉइन्स को
इस बॉक्स के अंदर रख देता हूं। इसको जब मैंने क्लोज किया है तो यहां पे मेरे पास एक सीक्रेट बटन है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये सीक्रेट बटन है। अब जब मैं इसे बाहर पुश कर देता हूं तो आपको कॉइन दिखाई देंगे, लेकिन जब मैं इसको अंदर पुश करूंगा यही कॉइन गायब हो जाएंगे। समझ गए? वेरी गुड। और अब जो नेक्स्ट ट्रिक यहां पे आपको सीखनी है, मेरे पास यहां पे फ्लावर है और इस फ्लावर को मेरे पास ये जो रुमाल है, इस रुमाल से मैं इसे ढक देता हूं एंड फिर से एक बार जो हमारा मैजिक है वो मैजिक यहां पे ये जादू पता है कैसे किया था मैंने? नहीं। ये देखिए, समझ गए? वेरी गुड। और अब जो थर्ड मैजिक मैं आपको सिखाने वाला हूं वो मैजिक है ये वाला। ये मेरे पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर मेरे पास ये फ्लावर है, ये फ्लावर मैंने डाला, ये वापस नीचे से आ गया, इसके अंदर डाला, ये गया सेकेंड टाइम, फिर से यहां पे गया और ये अंदर गया और इसके ऊपर थोड़ा सा जादू किया। Here we go. 1, 2, 3. Wow! Bravo! Wow! इसको सीखना है आपको? हाँ। Very good. अभी सिखाता हूँ। हाँ हाँ बा। टप्पू जादू सीखने गया है। चार पांच दिन हो गए। फिर से कहो तो? क्या क्या नाम रखते है इसकी माँ मेरा, गिली गिली छू। कोई ऐसा लिखना जाए तो कैसा लगे, श्री गिली गिली छू चंपक लाल गड़ा। अच्छा भाई सुंदर कैसा हो? माँ आजकल अहमदाबाद में टैक्सी के स्ट्राइक है, नहीं वो कई दिनों से सुंदर आया नहीं मुंबई। भेजो भेजो बचाएगा। अच्छा माँ मैं फोन रखती हूँ। So, किसको भेजने की बात हो रही थी? अरे वो सुंदर को जादू बहुत पसंद है ना, तो माँ मुझे पूछ रही थी कि सुंदर को जादू सीखने के लिए भेजू, तो मैंने कहा हाँ हाँ भेजो भेजो। अरे क्या भेजो भेजो, तेरे पास भेजा है? सुंदर को जादू सीखने की क्या जरूरत है, उसको तो फुल जादू आता है। क्या, कौन सा जादू? गायब करने का। गायब? क्या गायब करने का? मेरा सुख चैन। क्या भी मजाक करते हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ। अभी कभी माँ को फोन करके बोल दे सुंदर गुंदर को इधर भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है बाबा, ठीक है मैं बाद में फोन करके माँ को बोल दूंगी कि वो सुंदर को ना भेजे और वो खुद आ जाए जादू सीखने के लिए। कौन माँ? हाँ। फिर वो वहाँ सुंदर को जादू सिखा देगी। इस उम्र में माँ जादू सिखाएगी? उम्र का क्या है, कोई भी कभी भी किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकता है। दया। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा मजाक छोड़िए, देखिए मुझे आपको एक बात कहनी है। पिछले कुछ दिनों से मुझे घर में बहुत सुना सुना लग रहा है। क्यों? वो टप्पू जादू सीखने जाता है ना तो मैं घर में अकेली हो जाती हूँ। जब वो घर में होता है ना तो हर आधे आधे घंटे में मम्मी पानी दो, मम्मी नाश्ता दो, मम्मी कपड़े बदले, मम्मी ये वो, मम्मी मम्मी मम्मी। सच्ची टप्पू के मगर बहुत सुना सुना लग रहा है। तुझे सुना सुना लगता है लेकिन सोसाइटी में कितनी शांति हो गई है वो पता है? मेरा टप्पू इतना भी शरारती नहीं है। अभी इतना की उतना शरारत शरारत होती है दया। वो अभी बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या बड़े शरारत करेंगे? और टप्पू थोड़ा शरारती है लेकिन वो बहुत होशियार है। देखना सबसे पहले जादू वही सीख लेगा।
सुंदर मामा का भांजा जो ठहरा। थैंक यू। तो अब मेरे पास यहाँ पे दो चिप है, ब्लैक कलर है, और इन चिप्स को मैं अगर यूं रब करता हूं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब वैसे ही पीछे भी ब्लैक कलर के चिप्स हैं। अब मैं इसको दोनों तरफ से अगर रब करता हूं। अंकल आपने ये जादू कैसे किया? आपको सीखना ये कैसे किया था मैंने? ओके, इन दो चीज के साथ मेरे पास एक और चीज है, और वो चीज मेरे पास है ये मेरे पास एक मैग्नेट है। आपको क्या करना है, ये मैग्नेट लेकर आपको इस चिप को ऐसे निकालना है और इसे उल्टा करके यहां पे रख देना है। और वैसे ही पीछे भी मेरे पास ये जो चिप है इसे यूं उठाना है और उसको उल्टा करके आपको इसके ऊपर लगाना है। ये जो मैग्नेट है इसे आपको लोगों को नहीं दिखाना है। ओके। इसे आपको छुपा कर रखना है। तो समझ गए ना? अब आप लोग जो करोगे, जब इसको आपको सिर्फ रब करना है एंड कलर आपका चेंज हो गया। ये भी ऐसे करोगे तो कलर आपका चेंज हो गया। अब इसके साथ एक और जादू मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, और इसके लिए मेरे पास एक रुमाल है। रुमाल के साथ मेरे पास एक और चीज है, और वो चीज है एक 100 रुपए की नोट। अब इस नोट को मैं ऐसे हाथ पे रख रहा हूं, अब गौर से देखो इस नोट को। ओके, ये रुमाल मैंने इसके ऊपर घुमाया, ये वापस मैंने इसके ऊपर घुमाया, अब तीसरी बार देखना बच्चों, ये गया। वैसे आप लोगों को पता है ये नोट कहां पे गया है? नोट है यहां पे। अब मैं दिखाता हूं आपको इसे कैसे करना है, गौर से देखना, ठीक है? इस नोट को मैंने यूं रखा है हाथ पे, इसके ऊपर से जब मैं रुमाल घुमाता हूं तो इस रुमाल के साथ आपको इस नोट को भी निकाल लेना है। ओके, तो ये नोट गई जेब में। अब जो जादू मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं उसे विदाउट योर पैरेंट गाइडेंस आपको इसे नहीं करना है, ठीक है? ओके, तो चारों जन इस रुमाल को पकड़ो। ओके। अब ये बहुत डेंजर जादू है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसे मैंने जलाया और ये घूम रहा है, ये रुमाल के साथ। ओके, तो सीखना है ये कैसे किया था मैंने। जब इस रुमाल को आप टाइट पकड़ोगे तो ये ध्यान रखना है कि ये जो गैप है ये आपको मेंटेन रखनी है, ठीक है? ओके। अब इस गैप को आपको ठीक रुमाल के बीच में से घुमाना है, ठीक है? ओके। समझ गए सब लोग प्रॉपरली? ओके, तो टप्पू सेना, मुझे उम्मीद है जो जादू मैंने आप लोगों को सिखाया है उसमें आपको मजा आया होगा। अंकल मजा नहीं, बहुत मजा आया। हाँ। अंकल एक बात बताओ ना, अब्दुल को जो आपने बॉक्स में डाल के गायब किया था वो जादू सिखाओ ना। हाँ। वो जादू जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तब सिखाऊंगा, लेकिन अभी जो मैंने तुम लोगों को जादू सिखाया है उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और परफेक्ट बनिए। ओके, ओके। अब्दुल, आज हम तुझे एक जादू दिखाएंगे। ओहो, टप्पू सेना ने जादू सीख लिया? हाँ। कौन सा जादू दिखाओगे? गायब करने का। मुझे? नहीं, उस चॉकलेट को। हाँ। ए?
देख अब्दुल, अब ये चॉकलेट गायब हो जाएगी। आबरा का डाबरा गिली गिली वो। देखा अब्दुल, चॉकलेट गायब हो गई। कहा गायब हुई? गोली के मुंह में। अरे कहाँ? देख हाँ, गायब हो गई। फिर जो चीज नहीं दिखती है उसे गायब ही तो कहते हैं। हाँ। देख अब्दुल, अब मैं तुझे और एक चॉकलेट गायब करके दिखाता हूँ। अरे नहीं नहीं, इतनी चॉकलेट नहीं गायब करने के लिए। अरे अब्दुल, एक चॉकलेट के लिए क्या रोता है? ठीक है ठीक है। देख अब्दुल, इस चॉकलेट को तू ध्यान से देख, ये वही चॉकलेट है जो गायब होने वाली है। किधर गई? गोगी के जेब में। हाँ। अरे वाह टप्पू जी, ना तुम लोगों ने जादू सीख लिया। अब्दुल सोच, अगर ये चॉकलेट तुझे वापस ना मिलती तो क्या करता? क्या करता? भूल जाता, और क्या। तो भूल जाओ। टप्पू, जादू के नाम पे दो चॉकलेट खा गई, खाने दो। हाँ बॉस, बस आर्टिकल कंप्लीट हो ही गया है, बस कंप्लीट कर रहा हूँ और मैं खुद लेके आ रहा हूँ। हाँ हाँ, बस पहुंच रहा हूँ सर। अरे बस लिख रहा हूँ सर। हाँ हाँ, फटाफट। ओके। हाँ जी आंटी, हाय मदन। ओह बच्चों, आ जाओ आ जाओ, कम ऑन। अंजलि आंटी, फॉर यू। ओह माय गॉड, हाउ स्वीट। थैंक यू सो मच टप्पू। क्या बात है टप्पू। हाँ, अंजलि आंटी को फूल दे रहे हो? लेकिन टप्पू, अंजलि आंटी का फेवरेट कलर तो येलो है। अरे नो प्रॉब्लम। आबरा का डाबरा गिली गिली। ओहो, क्या बात है भाई। थैंक यू अंकल। टप्पू, आप लोग तो जादूगर हो गए हैं। थैंक यू अंकल। अंकल आपका पेन दीजिए तो। अरे यार अभी पेन वेन नहीं, मुझे आर्टिकल पूरा करना है, मुझे लेट हो रहा है, प्लीज टाइम वेस्ट मत करो। प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार एक बार। मुझे लेट हो रहा है आर्टिकल। मेहता अंकल, अब देखिए हमारा जादू। ये बिल्कुल खाली है और ये पेन गई अंदर। आबरा का डाबरा गिली गिली फो। वेरी नाइस, क्या बात है। अरे भाई, लाल गुलाब का फूल पीला कर दिया तुमने, पेन को पेंसिल बना दिया, मन्ना ने तुम्हें क्रिएटिव बना दिया बॉस। वेरी गुड, थैंक यू अंकल। चलो चलो। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे मेरा पेन तो दो भाई, पेंसिल। देखिए बबी दांडी, अब मैं ये लाइटर इस पे घुमाऊंगा लेकिन ये जलेगा नहीं। अच्छा, 1 2 3 अब्राकडाब्रा गिली गिली। वेरी गुड टप्पू। अयो, टप्पू ये क्या किया, क्या जादू बताता तुम? ये स्कार में जल गया। सॉरी अंकल। सॉरी बबी आंटी। क्या सॉरी टप्पू, जो जादू आता है वो करना चाहिए ना। ओके आंटी, चलो चलो फ्रेंड, अपने अपने घर जाके जादू करते। देखिए तो खेल खेल में बबीता जी का स्कार्फ जल गया और इधर अय्यर की जान जल गई। कभी कभी मुझे लगता है कि बंदर गुलाटी मारना छोड़ सकता है, शेर शिकार करना छोड़ सकता है, सूर्य उगना छोड़ सकता है, बादल बरसना छोड़ सकते हैं, लेकिन टप्पू से ना शरारत करना छोड़ दे भाई, ऐसा तो संभव नहीं लगता। और शरारत और मस्ती में दूसरों को तकलीफ पहुंचे ये तो जिंदगी में नहीं होना चाहिए, लेकिन आप और हम कई बार ऐसा करते हैं कि हमारी मस्ती हमारे आनंद के लिए दूसरों को तकलीफ पहुंचती है और हमें पता नहीं चलता। जब हम तेज आवाज में संगीत सुनते हैं तो हो सकता है कि दूसरों को तकलीफ होती हो, अगली बार ध्यान रखें। जब हम गाड़ियों की रेस करते हैं तो हो सकता है कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए, अगली बार बेहद सावधानी बरते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि टप्पू सेना जब जादू सीखने गई थी तब गोकुलधाम में बड़ी शांति थी, लेकिन जब जादू सीख के लौट आई है तो ये शांति भंग हो चुकी है। अब ये जादू क्या क्या खेल दिखाते हैं, टप्पू सेना क्या क्या करती है, भाई ये तो सब भविष्य के गर्भ में होगा। लेकिन एक जादू तो जो हमेशा जिंदा रहेगा गोकुलधाम सोसाइटी में, वो है हंसी का जादू, ठहाकों का जादू। बस हमारे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.